डेब। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता, 214 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए प्रति लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुलजिम इमरान खान हाजिर हूं। एडिशनल सेशन जज ने तोशाखाना केस काबिले समाअत करार दे दिया। अदालत ने इमरान खान को 9 जनवरी को जाती हैसियत में बुला लिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने असासों में तोशाखाना तहाइफ छुपाए। बादी नजर में इमरान खान का जमा डिक्लेरेशन गलत है। नंगे पांव हिजाज से मकतस जाने वाला वहां से मिले तोहफे बेचता रहा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने इमरान खान का हिसाब किताब सामने रख दिया। बोले 2 अरब ममालिक से 6 अरब के तोहफे मिले जिनकी कीमत सिर्फ 3 करोड़ लगवाई। बुशरा बीबी के नाम से ज्वेलरी की रसीदें बनवाई। मुरीद के बाद मुर्शिद भी चोर निकली। इमरान खान अपनी बेटी को नाम देने से डरते रहे। रियासत मदीना होती तो इमरान खान वजीर आजम न होते, संसार होते। विफाक की हुकूमत फराख दिली का मुजाहरा कर रही है। कानून हरकत में आए तो इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। वजीर इत्तला'आत सिंध शिरजील मेमन का भी जारहाना अंदाज। बोले इमरान खान झूठा था, है और रहेगा। घड़ी कौम की अमानत थी। इमरान खान कहता है मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ये शख्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप सीएनसी बने, और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए। और जिस तरह आपने सरस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है कि आपने स्पेशली 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई है। सियासत में कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। पीटीआई चकवाल के रहनुमाओं ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से सियासत में एंट्री की फरमाइश कर दी। एक तकरीब के दौरान जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तारीफें की, उनकी चकवाल के लिए खिदमात गिनवाई। सर्विस के दौरान इलाके के लिए तरक्याती फंड्स जारी कराने का खुसूसी तस्करा किया। यूथ ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के तलबा से खिताब की वीडियोस ने मकबूलियत का पोल खोल दिया। इमरान खान खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी। कहा इमरान खान जहनी मरीज हो चुके हैं, अवाम ने उनका चोर चोर का झूठा बयानियां सुनना बंद कर दिया है। इमरान खान ने जनरल बाजवा के पांव पकड़कर एनआरओ लिया। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान ने एनआरओ लिया। वजीर आजम के मौवन खसूसी मलिक अहमद खान के बाद कहा इमरान खान बेनकाब होने पर अब नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इमरान खान को सूबाई असेंबलियां तोड़ने से किसने रोका है? वो हमें बुलाएं, जब वो हमें बुला लेंगे हम इज्तमाही तौर पर चले जाएंगे। और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं। ये जो सारे लोग 7-8 महीने जो उन्होंने मुश्किलें गुजारी हैं ना, ये इमरान खान और तरीके इंसाफ के पीछे खड़े हैं, बुला लें। पीटीआई ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं स्पीकर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए खत लिख दिया। राजा परवेज अशरफ चाहें सबको एक साथ बुलाएं या एक एक करके बुलाएं। इस्तीफों की मंजूरी में सिलेक्टेड अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। फवाद चौधरी का हुकूमत पर पीटीआई अरकान की तनख्वाहें वसूल करने का इल्जाम। आईजी पंजाब की दफ्तरी मामलात में अदम दिलचस्पी। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में तबादलों की लूट सेल लग गई। आरपीओज, सीपीओज, डीआईजीज, एसएसपीज के तबादले जारी। फैसल शाहकार की अदम दिलचस्पी से पंजाब में जरान का ग्राफ बढ़ने लगा। चौधरी परवेज इलाही के लिए किराए का जहाज लेने का फैसला। 8 से 10 सीटों पर मुश्तमिल जहाज के लिए टेंडर जारी। तैयारा 3 माह के लिए किराए पर हासिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत किराए के साथ अमले और पेट्रोल के अखराजात भी अदा करेगी।
गरीब की दुहाई कहीं ना हुई सुनवाई। लाहौर में सस्ते आटे का काल पड़ गया, 10 और 20 किलो के थैले गायब, 15 किलो का महंगा आटा भी मजीद महंगा हो गया, कीमत में 110 रुपए इजाफा, 1540 रुपए में मिलने वाला थैला 1650 रुपए में फरोख्त होने लगा। वफाकी हुकूमत और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रांट। वफाकी हुकूमत फराख दिली का मुजाहरा कर रही है, कानून हरकत में आए तो इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है, वजीर इत्तला'आत सिंध शिरजील मेमन का भी जारहाना अंदाज, बोले इमरान खान झूठा था है और रहेगा, घड़ी कौम की अमानत थी, इमरान खान कहता है मेरी घड़ी मेरी मर्जी, ये शख्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारी दुआ थी, हम अपने लिए चाहते थे और अपने मुल्क के लिए चाहते थे कि आप CNC बने, और हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली सियासत में आए, और जिस तरह आपने सरस में रहकर अपने इलाके की खिदमत की है कि आपने स्पेशली 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई है। सियासत में कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। PTI चकवाल के रहनुमाओं ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से सियासत में एंट्री की फरमाइश कर दी। एक तकरीब के दौरान जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तारीफें की, उनकी चकवाल के लिए खिदमात गिनवाई, सर्विस के दौरान इलाके के लिए तरक्याती फंड्स जारी कराने का खुसूसी तस्करा किया। यूथ ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया, चेयरमैन PTI के तलबा से खिताब की वीडियोस ने मकबूलियत का पोल खोल दिया, इमरान खान खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को खरी खरी सुना दी, कहा इमरान खान जहनी मरीज हो चुके हैं, अवाम ने उनका चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। इमरान खान ने जनरल बाजवा के पांव पकड़कर NRO लिया, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान ने NRO लिया। वजीर आजम के मौवन खसूसी मलिक अहमद खान के बाद कहा इमरान खान बेनकाब होने पर अब नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इमरान खान को सूबाई असेंबलियां तोड़ने से किसने रोका है? वो हमें बुलाएं, जब वो हमें बुला लेंगे हम इज्तमाही तौर पर चले जाएंगे, और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। ये जो सारे लोग 7-8 महीने जो उन्होंने मुश्किलें गुजारी हैं ना, ये इमरान खान और तरीके इंसाफ के पीछे खड़े हैं, बुला लें एमरजेंसी। PTI ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांग लिया, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं स्पीकर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए खत लिख दिया, और राजा परवेज अशरफ चाहें सबको एक साथ बुलाएं या एक एक करके बुलाएं। इस्तीफों की मंजूरी में सिलेक्टेड अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए, फवाद चौधरी का हुकूमत पर PTI अरकान की तनख्वाहें वसूल करने का इल्जाम। IG पंजाब के दफ्तरी मामलात में अदम दिलचस्पी, वजीर आला सेक्रेटेरिएट में तबादलों की लूट सेल लग गई, RPOs, CPOs, DIGs, SSPs के तबादले जारी, फैसल शाहकार की अदम दिलचस्पी से पंजाब में जरान का ग्राफ बढ़ने लगा। चौधरी परवेज इलाही के लिए किराए का जहाज लेने का फैसला, 8 से 10 सीटों पर मुश्तमिल जहाज के लिए टेंडर जारी, तैयारा 3 माह के लिए किराए पर हासिल किया जाएगा, पंजाब हुकूमत किराए के साथ अमले और पेट्रोल के अखराजात भी अदा करेगी। गरीब की दुहाई कहीं ना हुई सुनवाई। लाहौर में सस्ते आटे का काल पड़ गया, 10 और 20 किलो के थैले गायब, 15 किलो का महंगा आटा भी मजीद महंगा हो गया, कीमत में 110 रुपए इजाफा, 1540 रुपए में मिलने वाला थैला 1650 रुपए में फरोख्त होने लगा। वफाकी हुकूमत और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रांट अलायंस के दरमियान डेडलॉक बरकरार, वफाकी मुलाजमीन का 20 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान, वफाकी सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का मुतालबा, कहा धरना मुतालबात की मंजूरी तक रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा।
रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का फरीद एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। ट्रेन लाहौर से कराची सिटी के लिए 18 कोचेस के साथ चलेगी। एडवांस बुकिंग का फौरी आगाज़।